रायगढ़ के आम नागरिकों के द्वारा जूट मिल पुराना बस स्टैंड में संचालित शराब दुकान हटाए जाने की मांग को लेकर शराब दुकान के सामने प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जूट मिल मटन मार्केट में अवैध रूप से दूसरे क्षेत्र ढिमरापुर क्षेत्र का देशी शराब एवं विदेशी शराब दुकान रिहायशी क्षेत्र में संचालित की जा रही है, जबकि पूर्व में मध्य प्रदेश के समय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा जूट मिल क्षेत्र से देशी मदिरालय हटाने का आदेश दिया गया था। बस स्टैंड से छात्र एवं छात्राएं स्कूल जाते समय शराब दुकान से निकलने वाले नशे में छेड़खानी किया करते हैं। महिलाओं का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इस क्षेत्र में अपराध बढ़ गया है, जबकि हरी टंडन द्वारा सरेआम चखना दुकान जो कि 100 मीटर दूर दुकान से दूर होनी चाहिए, वहां अवैध रूप से संचालित की जा रही है। विरोध करने पर मारने की धमकी दी जाती है। इस क्षेत्र में असामाजिक तत्वों का डेरा हो गया। आए दिन पॉकेट मारी, लूटपाट और छेड़खानी होती रहती है। जनता में इस दुकान को लेकर भारी आक्रोश व्याप्त है, इसलिए आज हमने कलेक्टर को आवेदन देकर अनुरोध किया कि अतिशीघ्र जांच कराकर अवैध शराब दुकान मदिरालय को हटाया जाए। कि यहाँ अवैध जो ढिमरापुर चौक के लाइसेंस के नाम से जूट मिल बस स्टैंड वार्ड नंबर 31 में चकना दुकान और भट्टी अवैध शराब दुकान खोल रखी है, जिसके कारण से बहुत से महिलाओं को और आने वाले बच्चे स्कूल से जो बच्चे आते हैं इस रोड से जो भी गुजरते हैं, क्योंकि ये एक रोड भी है, इसमें बहुत से बच्चों को परेशानी हो रही है। तो इसलिए मैं प्रशासन से निवेदन कर रहा हूँ कि जो यहाँ पे जो अवैध शराब दुकान और अवैध, जैसे कि प्रशासन ने आदेश भी कर रखा है कि शराब दुकान के 100 मीटर की दूरी पर चकने दुकान का संचालन किया जाएगा जो भी, लेकिन यहाँ पे तो खुद भट्टी के अंदर ही शराब दुकान के अंदर ही चकना दुकान चलाया जा रहा है और यहाँ पे आए दिन विवाद झगड़ा लड़ाई हो रहा है। तो मैं प्रशासन से यही निवेदन करता हूँ कि जो जिस जगह पे इसकी दुकान की लाइसेंस मनी गई है उस जगह पे इस दुकान को चलाए। और आयुक्त का सब जूट मिल चौकी में भी हम आवेदन दे चुके हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है कि लाइसेंस ढिमरापुर का होने के बावजूद जूट मिल चौकी में जूट मिल एरिया में क्षेत्र में क्यों चलाया जा रहा है। ये ढिमरापुर का लाइसेंसी भट्टी है और यहाँ चलाया जा रहा है जूट मिल में। और दूसरी चीज है कि यहाँ चखना दुकान जो 100 मीटर के अंदर काल नहीं होना चाहिए, वो जूट मिल के भट्टी के जस्ट सामने में चखना दुकान चल रहा है, जो जिला प्रशासन या सरकार के निर्देशों में एकदम खिलाफ है। और वो चखना दुकान बगल में चल रहा है, जिसके कारण यहाँ लोग बैठ के पी रहे हैं, खा रहे हैं, और आने जाने वाले लोग जितने लड़कियां हैं या बच्चे या मोहल्ले वाले सब परेशान है, क्योंकि यहाँ बैठाने का पीने का व्यवस्था किया जा रहा है और पीने के बाद सारे लोग यहाँ से निकलने के बाद बाहर में मोहल्ले है, पूरा क्षेत्र इलाका हमारा जो मोहल्ला है वहाँ सब लोग परेशान है, क्योंकि यहाँ से पीने के बाद निकल रहे हैं तो नशे के हालात में कोई लड़कियां छेड़ रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, इसका जिला प्रशासन या शासन कोई नहीं सुन रहा है और सब परेशान है इससे। तो हमारा शासन और सबसे प्रशासन से निवेदन है कि इस पर तुरंत संज्ञान लिया जाए और ध्यान दिया जाए कि ऐसा जो चखना दुकान या अवैध भट्टी खोला गया है इसे तत्काल बंद कराया जाए। इसके बाद हम मंगल को धरना प्रदर्शन बड़ा उग्र रूप लेगा हमारा, और हम और अच्छे से और बहुत बढ़िया ढंग से हम फिर उग्र प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। समय न्यूज के लिए रायगढ़ से हिना निषाद की रिपोर्ट।